यानी ढेर सारा केओस और शादी के इंतजामों को लेकर के ढेर सारी भाग दौड़। लेकिन अगर आप इन सारी टेंशन से दूर रहना चाहते हैं तो मदद लीजिए वेडिंग एक्सपर्ट्स का। तो कौन होते हैं ये वेडिंग एक्सपर्ट्स जो आपकी ड्रीम वेडिंग को हकीकत में बदल देंगे, जानते हैं गुंजन के साथ। शादी की धूमधाम, मेहमान नवाजी की चिंता और डेकोरेशन से लेकर खाने पीने का इंतजाम, इन सब से अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो मदद लीजिए वेडिंग प्लानर्स की, जो आपके लिए मैनेज करेंगे शादी का तामझाम। शादी ऑनलाइन की वेडिंग प्लानर तृप्ति अपनी टीम के साथ प्लान कर रही है नवंबर की एक बड़ी शादी, और ये शादी होने वाली है मसूरी में, यानी ये है डेस्टिनेशन वेडिंग। और इस खूबसूरत वेन्यू में शादी को यादगार बनाने का जिम्मा है तृप्ति के हाथों में। हम क्लाइंट्स की छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, चाहे वो एक पंडित क्यों ना हो। पंडित के लिए एक माइक की जरूरत होती है वेडिंग वेन्यू में, ये छोटी चीज तक हमें याद रहती है। रिचुअल्स में हमारी टीम स्पेशलाइज करती है, हमको 35-36 कम्युनिटीज के रिचुअल्स में एक्सपीरियंस है। शादी के सेलिब्रेशन में सबसे जरूरी है एक शानदार फूड मेन्यू। मेहमानों के जायके का ख्याल रखने के लिए वेडिंग प्लानर्स एक्सोटिक कॉन्टिनेंटल क्विजीन की खास दावत का इंतजाम करते हैं, और शाह खर्च फैमिलीज केवल खाने पर ही 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर देती हैं। शानदार मेन्यू के साथ शानदार वेन्यू पर भी वेडिंग प्लानर्स की नजर रहती है। आजकल ट्रेंड हो रहा है मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जाने का। हमारी कंपनी गवर्नमेंट के साथ पूरी वेडिंग पैकेजेस ऑर्गेनाइज करी हैं। हमारे को मतलब गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया, सिंगापुर, अब रिसेंटली थाईलैंड ने भी बुला के हमें पूरा एक रेकी कराई है कि वहाँ पे कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे इंडियन शादी हो सकती है। थीम वेडिंग वेडिंग प्लानर्स की खासियत है, जिसकी खूबसूरत सजावट के लिए बैंकॉक, मलेशिया और थाईलैंड से फूलों को इम्पोर्ट किया जाता है। एग्जॉटिक फ्लावर्स वेन्यू की सजावट और थीम के मूड का पूरा ख्याल रखते हैं और उसे रिच लुक देते हैं। शादी तो लोग लार्जर देन लाइफ, लेकिन इंडियन शादी प्रेफर करते हैं। उसमें कहीं वो कोई बहुत बड़ा मंदिर सेटअप हो गया, या कोई पैलेस हो गया, या बहुत रिच फैब्रिक हो गए, एम्ब्रॉयडरी हो गए, मुगल थीम, मोरक्को थीम। इस तरह की ग्रैंड शादी के लिए बजट भी मोटा होना चाहिए। 25 से 30 लाख रुपए से शुरू होकर खर्चा करोड़ों तक जा सकता है। तो बस शादी की तारीख निकलते ही आप इन वेडिंग प्लानर्स को अपनी पसंद की लिस्ट दे सकते हैं, ताकि वो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की तैयारी में लग जाएं। गुंजन मित्तल।